Infinix Note 30 versus Note 30 Pro। तो आज हम लोग इस वीडियो में Note 30 और Note 30 Pro को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा मोबाइल मतलब किस वेरिएशन में आ रहा है, किस प्राइस टैग में आ रहा है, मार्केट प्राइस क्या है, ऑनलाइन प्राइस क्या है, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ऑलरेडी आपको पता है जिस तरह से कि Infinix Note 30 Pro के जो हैं वो दो वेरिएशन आए हैं, मतलब तीन आए हैं, एक Note 30 आया है, एक Note 30 Pro आया और एक Note 30 VIP आया है। तो भाई VIP वाले जो हैं वो VIP हैं, तो उनको ज़रा नहीं छेड़ेंगे हम। Note 30 Pro एंड Note 30 को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। तो Note 30 एंड Note 30 Pro का अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, ज्यादा इनमें दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं होने वाला। कैमरा हो मतलब कैमरा की जो बैक शेप है उसके बारे में बता रहा हूँ, कैमरा की जो मेगापिक्सल है उसके बारे में नहीं कह रहा क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा सा है। एक ही वेरिएशन में दोनों मोबाइल लॉन्च हुए हैं, 8GB 256GB, तो ये भी काफी अच्छी बात है। 8GB इन दोनों में एक्सटेंड में जो है वो रैम आ रही है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G99 है दोनों ही मोबाइल्स में, MediaTek Helio G99 आ रहा है। रैम रोम की बात करें सेम 8GB और जो बॉक्स के ऊपर मेंशन है वो 16GB मेंशन है, लेकिन इसके रियल रैम जो है वो 8GB है और 8GB जो है वो एक्सटेंडेबल जो रैम होती है वो है दोनों में। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो Infinix Note 30 की जो है वो 45 फास्ट चार्जिंग वायर्ड है, और जबकि Infinix Note 30 Pro की बात करें तो 68W फास्ट चार्जिंग है, साथ में 15W आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। ये एक एडवांटेज आपको मिल रहा है प्रो में, और है दूसरा जो 45W वाला है वो भी काफी अच्छा होने वाला है यार। अब डिस्प्ले की बात करें तो नोट 30 की जो है वो 6.78 है, फुल HD में आ रही है, प्लस आई केयर डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल रही है। जबकि नोट 30 प्रो की बात करें तो 120Hz सेम रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, और जो डिस्प्ले मिल रहा है वो AMOLED डिस्प्ले आपको 10 bits का मिल रहा है। कैमराज की अगर बात करें तो नोट 30 की जो कैमरा आपको मतलब कि रियर कैमरा है वो मिल रहा है 64 megapixel, जबकि नोट 30 प्रो की बात करें आपको 108 megapixel का आपको यहाँ पे रियर कैमरा जो है वो मिलता है। फ्रंट कैम की बात करें तो फ्रंट कैम जो है वो नोट 30 का 16 megapixel है, जबकि नोट 30 प्रो की बात करें तो 32 megapixel सेल्फी कैमरा आ रहा है। बैटरी जो है इन दोनों की सेम ही है, 5000 mAh, और स्पीकर की बात करें स्पीकर भी पावर्ड बाय JBL आ रहा है, मतलब कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है एक चार्जिंग का आ रहा है और दूसरा जितना मुझे लग रहा है AMOLED जो डिस्प्ले आ रहा है इसमें आ रहा है, और सेल्फी कैम जो है इसका इसमें आ रहा है। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन सेम ही है, चाहे लुकअप में हो या फिर यूजेज में हो। MediaTek Helio G99 दोनों में आ रहा है, दोनों में ही 8GB 256GB आ रहा है, बस थोड़ा प्राइसिंग में ऊपर नीचे आ रहा है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्राइस टैग की कि नोट 30 की क्या प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है, और नोट 30 प्रो की मार्केट प्राइस क्या है और ऑनलाइन प्राइस क्या है। नोट 30 जो है वो ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है, 53,999 रुपीज का मिलता है, जो मतलब कि कह सकते हैं 54,000 का ऑनलाइन कीमत इसकी प्राइस जो है वो आ रही है। जबकि मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये मोबाइल आपको 65,000 रुपीज का मिलता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता हो कि मोबाइल ऑनलाइन प्राइस क्या आ रही है और ऑफलाइन इसकी प्राइस क्या आ रही है। तो आपने माइंड में रखना है, अगर कोई आपको 54,000 से अबव का दे तो वहाँ से खरीदे ही ना, क्योंकि यार ये जो माफियाज बैठे हुए ना हमारे लिए तो हमारी वजह से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं, आपको पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए भाई लोग अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो एक माह तक, तो देखने इनकी कीमतें जो ऑफिशियल आ रही हैं इससे भी ये लोग नीचे आ जाएंगे। उसके अलावा Infinix Note 30 Pro की अगर प्राइस की बात करें तो वो आ रही है 60,999 रुपीज़, मतलब के 61,000 रुपये, 61,000 रुपीज़। तो अगर मार्केट की बात करें Infinix Note 30 Pro 70,000, 75,000, 80,000 के आसपास मिल रहा है यार। तो जो प्राइस टैग है ना इसकी बहुत ज़्यादा अबव जा रही है। तो कलर कम्बिनेशन की अगर बात करें तो Note 30 का जो कलर आ रहा है तीन कलर्स में आ रहा है, एक ब्लैक में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, ओल्ड गोल्ड में आ रहा है। जबकि Infinix Note 30 Pro की बात करें जस्ट दो कलर्स में आ रहा है, एक गोल्ड में आ रहा है और एक ब्लैक में आ रहा है। तो कलर्स भी आपको बता दिए, प्राइस टैग भी बता दिए, और मार्केट प्राइस भी आपको मैंने बता दी कि मार्केट में आखिर क्या प्राइस चल रही है। इस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे, और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से भी आप एक बार देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि आखिर यार सीन क्या चल रहे हैं मार्केट में और ऑनलाइन प्राइस। तो होप सो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी हैं। तो
खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।